इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देख लीजिए। सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कैप्टन का लंच कार्यक्रम। 21 जुलाई को सीएम अमरिंदर ने नेताओं को लंच पर बुलाया है। कैप्टन ने सिद्धू को लंच का न्योता नहीं दिया है, सोर्सेज बता रहे हैं। पंजाब के सभी विधायकों और सांसदों को न्योता भेजा गया है, सिद्धू को न्योता नहीं भेजा गया। क्या सिद्धू के समर्थक नेता इसमें पहुंचेंगे, ये भी एक सवाल है। क्या कैप्टन इस बहाने अपना संदेश तो देना चाहते ही हैं, साथ में ये भी देखना चाहते हैं क्या कि कौन आखिरी वक्त में उनकी कॉल पर पहुंच सकता है उनके लंच में, और क्या सिद्धू समर्थक भी उनके लंच के इस कार्यक्रम में जाएंगे। ये भी एक अहम इशारा होगा कि कैप्टन के अम्ब्रेला के नीचे कितने सारे लोग खड़ा होना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहित मल्होत्रा, उनके पास हम एक बार फिर से चलते हैं। मोहित मल्होत्रा, आप लगातार इस बारे में अपडेट दे रहे हैं, दो चीज़ें बताइए, क्या चाहते हैं कैप्टन इससे, और मोटे तौर पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कांग्रेस की सियासत, इंटरनल सियासत किधर जा रही है? देखिए, अगर हम पिछले 72 घंटे की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार एक्शन में है। जब उनको पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद मिलने वाला था, उससे पहले भी वो लगातार जाके तमाम जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, और खास तौर पे एक ऐसा वर्ग जो कि लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के कामकाज से खुश नहीं है और ये लगातार कहता रहा है कि कैप्टन उनको मिलने का वक्त नहीं देते, उनके घर घर जाकर डोर टू डोर मीटिंग कर रहे हैं। और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद, यानी पिछले अगर हम करीब 12 घंटे की बात करें, तब से भी लगातार नवजोत सिंह सिद्धू लगातार डोर टू डोर मीटिंग कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो लंच का कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं इस पूरी कवायद को जवाब देने की कोशिश है और एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है, और इसी वजह से लंच का कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि पंजाब सीएम हाउस के सूत्र ये कह रहे हैं कि अभी विधायकों को और सांसदों को न्योता दिया जा रहा है, तो ऐसे में अभी इस बात को डिनाई नहीं कर रहे कि यार नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया नहीं जाएगा, लेकिन अब तक नवजोत सिंह सिद्धू के पास कोई ऐसा आधिकारिक तौर पर न्योता नहीं पहुंचा है कि उनको भी इस लंच के कार्यक्रम में आना है। मोहित मल्होत्रा, मुझे एक बात और बताइए, कैबिनेट मंत्रियों के साथ इस वक्त सिद्धू की मुलाकात, वो डोर टू डोर जाकर मुलाकात के साथ ये भी हो रहा है, और सुना है प्रताप सिंह बाजवा से भी मुलाकात हुई है, जबकि प्रताप सिंह बाजवा इस एक मुद्दे में कैप्टन के साथ थे। जी बिल्कुल, देखिए प्रताप सिंह बाजवा के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। कहीं ना कहीं आला कमान को नवजोत सिंह सिद्धू ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके लिए किसी भी कांग्रेसी में कोई फर्क नहीं है, भले ही वो किसी भी गुट का हो, वो हर किसी के घर जा रहे हैं, हर किसी नेता के पास जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और किसी भी तरह की कोई गुटबाजी वो नहीं चाहते हैं, ये कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू की है। लेकिन जो लगातार सवाल ये उठ रहा है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू सारे मामले को सुलझाना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले भी कहा है कि जो उनको लेकर बयानबाजी नवजोत सिंह सिद्धू ने की है, उन शब्दों को वापस लें, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, तो मैं उनको अपना पार्टी अध्यक्ष मानने को तैयार हूं। लेकिन अब तक नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में साफ नहीं है कि क्या वो कैप्टन से मिलने जाएंगे, लेकिन जिस तरह की मोर्चेबंदी में वो लगे हैं, नेताओं को अपने साथ ला रहे हैं, इसके बाद कयास ये है कि शाम को वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पर जा सकते हैं ताकि पूरा मामला सुलझाया जा सके। तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा से मिले हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जरा इनके बारे में बताइए, इस मुलाकात की अहमियत के बारे में बताइए मोहित। देखिए, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा लगातार, इससे पहले की हम बात करें, पिछले करीब 3-4 महीने से पहले की मैं आपको बताऊं तो ये कैप्टन गुट के सबसे बड़े नेता थे। जब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यप्रणाली पर, उनकी सरकार पर कोई सवाल उठाया विपक्षियों ने या खुद पार्टी के अंदर नवजोत सिंह जैसे लोगों ने, तब भी बचाने के लिए तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, जो कि कैप्टन के पुराने करीबी हैं, वो सामने आते रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस बात से नाराज हैं, उनका कहना है कि सरकार में अफसरशाही काफी हावी है और मंत्रियों को भी नहीं सुना जाता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।